क्योंकि आदरणीय दादी जी प्यारे मातेश्वरी जी के विषय में सुनाने के लिए आए, लेकिन तबीयत के कारण इतना सुना नहीं पाए। तो मुझे ऐसा आया कि आप सभी यहाँ बैठे हैं, तो मैं आज के दिन का अपना आँखों देखा दृश्य आपको सुना दूँ मम्मा के साथ का। क्योंकि जब हमारी मामा बीमार थी तो मैं विशेष रूप से, मामा ने ही मुझे सेवा केंद्र पर रखा था और मेरा विशेष मामा से स्नेह था, तो मैं सुनते ही मधुबन में आ गई। शायद आप में से कुछ को मालूम भी हो कि मामा लास्ट में बॉम्बे में ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में थे, और जब डॉक्टर ने ये कहा कि 4 माह से ज़्यादा समय शायद नहीं चल पाएंगे, तो डॉक्टर के इस संदेश को सुनते ही अपने भाई जो रमेश भ्राता जी थे, जो मामा को वहाँ हॉस्पिटल में अटेंड करते थे, उन्होंने बाबा को फ़ोन करके बताया कि बाबा डॉक्टर का ऐसा कहना है कि मामा 4 माह से ज़्यादा स्टे नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने उसी समय प्रत्युत्तर में ही कहा कि ये बाबा को क्यों बता रहे हो, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा उसी मामा को ही बताओ। क्योंकि बाबा को मालूम था कि मामा एक विशाल हृदय देवी स्वरूपा हैं और हर बात को दूरदर्शिता से समझने वाली, तो भाई को इतना हृदय में नहीं आया कि मैं डायरेक्ट मामा को कैसे कह दूं कि मामा डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आयु शायद 4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन बाबा ने आज्ञा दी कि नहीं, आपको मामा को ही बताना है और मामा अपने जीवन का डिसीजन आप लेगी। तो कैसे भी करके जब मामा को बताया गया तो मामा ने सुनने के पश्चात ये कहा कि फिर इस हॉस्पिटल में रहने का क्या ज़रूरत है, फिर हमें वापस मधुबन चलना चाहिए। उसी समय मामा ने डिसाइड किया और डॉक्टर की अनुमति लेकर के कुछ ही समय में सब पैकअप किया और मधुबन वापस आ गए। बाबा को भी मालूम था, मामा को भी मालूम था, अनन ने कुछ रत्नों को ही मालूम था, बाकी सबको तो इस प्रकार की सूचना नहीं गई थी। तो मैं आज का दिन जो विशेष मामा का ही दिवस कहेंगे, आज के दिवस की ही स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि उस समय बगीचे में बड़े बड़े अंगूर लगे हुए थे और काफ़ी मन अंगूर निकले थे और बड़े बड़े टोकरे अंगूर से भरे हुए थे। तब बाबा ने कहा कि मामा, बाबा समझता है कि सभी वत्सों को जो मधुबन वासी हैं और जो उस समय जून मास में बहुत पार्टीज आया करती थी, सब पार्टी भी आई हुई हैं, उन सबको आपके हाथों से ही अंगूर दिलाया जाए। तो मामा ने कभी बाबा को ना तो की नहीं, तो जी बाबा, ये मामा का मूल मंत्र था, तो जी बाबा कह दिया। आप समझ सकते हैं जिनकी बीमारी की स्टेज इस कदर अंत दे चुकी है कि जीवन का समय भी डॉक्टर ने घोषित किया और उस समय बीमारी काफ़ी उग्र रूप ले चुकी थी,
पेशेंट को जरूर है कई प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन मामा का इतना साहस था तो मुझे उस समय का दृश्य मालूम है कि तकिए लगा कर के बाबा ने मामा को बिठा दिया और एक बहन बाबा ने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था और मामा के हाथ में एक बहन अंगूर रखती थी और बाबा उन हाथों से बच्चों के हाथों में वह अंगूर रखते जा रहे थे। मामा के हाथों को ही ऐसे कर देते थे और सभी बच्चों को अंगूर दे रहे थे और सभी बच्चों को मामा बड़े ही प्यार की दृष्टि दे रही थी, क्योंकि नॉलेजफुल प्यारे बाबा सब कुछ जानते हैं, अपने बच्चों को भी जानते हैं, माँ को भी जानते हैं और भाभी को भी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहे। और जैसे कि बच्चों को माँ से मिलाया जा रहा है, सभी बच्चे लाइन थी, एक तरफ से आते थे, साथ के कमरे से आते थे और मामा के कमरे में मामा से अंगूर लेकर के इस तरफ से निकल जाते थे। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जो धोबी है, जो कई बार कपड़े प्रेस करने के लिए ले जाया करते थे और जो इस बगीचे का माली है, मालिन है, माली के फैमिली है, सभी को ही बुलाओ, आज सभी मम्मा के हाथों से अंगूर लेंगे। काफ़ी लंबा समय लगा लेकिन मामा ऐसे बैठी थी एक मूर्तिमान होकर, जैसे मामा को कुछ नहीं है और तकियों के सहारे से ऐसे मामा बैठी है और मुस्कुराते हुए चेहरे से एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए, ऐसे बाबा ने हाथ ऐसा रखा हुआ है और मामा के हाथों से अंगूर बाबा सभी बच्चों को, धोबी को, माली को, माली के बच्चों को, जो जो यहाँ वर्क करते थे सभी को मामा के द्वारा अंगूर दिलाए। इसलिए वो यादगार में आज तक भी मामा के भोग में हम अंगूर जरूर रखते हैं और सभी बाबा के वत्सों को अंगूर जरूर खिलाते हैं। इस प्रकार सभी को अंगूर दे दिए गए। मामा ने रेस्ट क्या करना है, तबीयत ऐसी हो चुकी हुई है। शाम को 4 बजते थे तो 4 बजे चाय का टाइम होता था और बेल बजती थी, उस समय बड़ा सा घंटा रखा होता था और एक मोटा सा डंडा सा होता था, उससे बेल बजती थी, जिसका मतलब कि 4 बजे चाय का टाइम हो गया। तो मैं 4 बजे चाय का टाइम समझ करके, बेल नहीं हुई लेकिन 4 बज चुके हैं, जरूर चाय की बेल हो चुकी होगी, शायद मैंने सुने नहीं, तो मैं चाय के लिए किचन की तरफ गई तो किचन में कोई आग नहीं जल रही थी, कोई चाय नहीं बनी थी। और दूसरी तरफ देखा कि आज किचन में चाय नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ। फिर मैं क्लास की तरफ गई तो सीज़न होने के कारण यहाँ सीज़न में इतना स्थान नहीं होता था, 600 अगर लोग आ गए तो समझो हॉल बिल्कुल फुल हो गया, तो उसके बाद और अभी नहीं आ सकते, वो पीछे आएंगे। तो हॉल फुल हो चुका था, सब बैठ चुके थे और सभी योग में बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि आज चाय भी नहीं है और सभी योग में बैठे हैं, क्या बात हो गई। तो मैं उसी समय मामा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस समय मामा के कमरे से, जो अनेक तकिए रखकर मामा को सपोर्ट देकर बिठा देते थे, वो सभी तकिए उठा दिए गए और तकिए उठा करके मामा को लिटाया हुआ मैंने देखा तो बाबा भी खड़े थे, कुछ अनन्य दादियाँ भी खड़ी थी
तो मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती थी कि अंदर चली जाऊं, मैं ऐसे झांक कर वापस आ गई। लेकिन मुझे लगा कि आज कोई बात अवश्य है। थोड़े समय में ही पता चला कि प्राण पंछी अपनी संपन्नता को प्राप्त कर उड़ गया है। तब बाबा ने कहा कि कुछ कन्याएं यहाँ आकर बैठेंगे मामा के पास, तो हमको चटाई बिछा दी गई। हम 5-6 कन्याएं थी, तो योग में बैठने के लिए कहा गया कि आप मामा के पास ही बैठो और योग में बैठना। उस समय अगरबत्ती कमरे में जला दी गई और हम मामा के पास बैठ गए। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाबा अपने बच्चों को मामा का संदेश देने के लिए क्लासरूम में जा रहा है। तो हम क्लासरूम में भी गई और बाबा ने बच्चों को संदेश दिया कि सभी बच्चों को ड्रामा का मालूम है, ड्रामा में जो भी घटना जिस समय भी घटनी है, कल पूर्व की न्याय वैसे ही घटती है। इसलिए सभी बच्चों को सदा अटल अडोल होकर के ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी बनकर देखना है। कभी भी क्यों क्या का ये क्वेश्चन बच्चों के अंदर नहीं उठ सकता है। तो बच्चों को ड्रामा पर अच्छी तरह मजबूत किया और मजबूत करके कहा कि आज आप बच्चों की माँ इस यज्ञ से विदाई ले गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ बच्चों के बीच से चली जाए, पिता चाहे सिर पर होता है लेकिन माँ के ना होने पर बच्चों को क्या प्रतीत होता होगा। तो बाबा ने बच्चों को इस कदर ड्रामा पर मजबूत कर दिया कि कोई बच्चे हिल नहीं सकते। ऐसा बच्चों को मजबूत किया और ये कहा कि सभी बच्चे लाइन में मामा को चलकर देखो, मामा से मिलने, क्योंकि हर एक का दिल होगा मामा का मुखड़ा देख लें। और हालांकि सुबह बाबा ने हर बच्चे को मामा से मिलवा दिया और दृष्टि दिला दी। और जब मामा ने शरीर छोड़ दिया तब बाबा ने कहा सभी बच्चे लाइन लगा के चलेंगे और सभी योग युक्त होकर के मामा से मिलते हुए हॉल में आ जाएंगे। फिर बच्चे तुम्हारी मामा को भी बाबा हॉल में ही ले आएंगे, हॉल में ही तुम बच्चों के बीच में ही आकर के वहीं पर लेट आएंगे। तो इस प्रकार का वो दृश्य था कि उस समय मामा को भी हॉल में लाया गया और हॉल में ला कर के मामा को वहीं लिटाया जहाँ आज गद्दी है। उस जगह पर मामा को एक बहुत सुंदर सा स्थान बनाया ऐसा जिस पर मामा को लिटाया गया और सभी बच्चे आसपास सामने बैठ गए। पीछे बाबा और मामा भी बैठे, बाबा भी बैठे और दादियाँ भी बैठी थी। मुझे याद है उस समय का वो दृश्य। तो बाबा ने बहुत ही प्यार से बच्चों के बीच पूरा टाइम बैठे रहे और बाबा ने ऐसे ही प्यार के शब्द बोले, बच्चे यज्ञ माता है और यज्ञ यज्ञ पिता का है। यज्ञ रचने वाला सेठ जिसका ये यज्ञ रचा हुआ है, उस यज्ञ की देखभाल करने वाली ये यज्ञ माता है। इसलिए यज्ञ माता यज्ञ के मध्य से जा नहीं सकती, ऐसा बाबा समझता है। सभी बच्चे बाबा का मुंह देखते हैं कि मामा चली भी गई और बाबा कहते हैं मामा जा नहीं सकती।
तो बाबा ने कहा हो सकता है कि बाबा बच्चों का कोई टेस्ट ले रहा है, इस टेस्ट को भी बच्चों को पार करना है, हिलना नहीं है, आंसू नहीं बहाने हैं। हमको याद है बाबा ने कहा मम्मा तुम्हारी वो थी जो कभी आंसू नहीं बहाती थी, मम्मा का ये एक्सपीरियंस था कि एक बार कहते हैं कि कानपुर से एक इनविटेशन आया, मम्मा को निमंत्रण था कि मम्मा आप हमारे पास आओ, लेकिन वो इनविटेशन ऐसे शब्दों से लिखा हुआ था, इतनी मार्मिक भाषा थी वह कि सब सुनने वालों की आंखों से आंसू निकल आए। मम्मा की आंखों में पानी आया तो जरूर था लेकिन वो अश्रु के रूप से बहा नहीं। तो अपने भाई मामा से पूछते हैं, रमेश भ्राता जी के पास मामा कुछ समय ठहरी थी, तो पूछा कि मामा आंखों में थोड़ा जल तो आपके भी आया लेकिन आपके आंखों से वो जल गिरा नहीं। तो मामा ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि बाबा क्लिफ्टन पर रहते थे अपने लौकिक फैमिली के साथ, जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस प्रकार का लॉ बना था थोड़े समय के लिए, सिंध हैदराबाद की ये बात है और बाबा कराची की ये बात है, और बाबा अलग रहते थे मम्मा वत्सों के साथ, बच्चों के साथ अलग स्थान पर रहती थी। तो मम्मा ने कहा एक बार रात को सोते हुए मम्मा को बाबा की इतनी याद आई कि अश्रु धारा बह उठे, और वो अश्रु धारा इतने बहे कि पूरा तकिया ही जैसे भीग गया हो, और ये समाचार किसी ने बाबा को सुना दिया कि बाबा मम्मा रात को आपकी याद में इतना रोई कि तकिया भीग गया। तब बाबा ने मामा को कहा कि मामा आज के बाद कभी भी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। और मामा ने कहा वो दिन है और आज का दिन मेरी आंखों से कभी आंसू नहीं गिरा, इसलिए आंखों में जल आया अवश्य है लेकिन उसको गिरने की स्टेज तक मैंने नहीं लाया। तो बाबा ने ऐसे समय पर बच्चों को याद दिलाया कि देखो आपकी माँ चाहे कितना भी उसको घटना कैसे भी आई है, कितने कितने तूफान भी यज्ञ में आए, बहुत ऊंचाइयाँ और नीचाइयाँ आई, कई बातों का स्पेशली मामा को सामना करना पड़ा लेकिन माँ ने कभी आंसू नहीं बहाया। इसलिए तुम कोई भी बच्चे अगर माँ से आपका प्यार है तो कोई भी बच्चा आंसू नहीं बहा सकता है। आप सोचिए माँ किसी के सामने पड़ी हो, शरीर छोड़ चुकी है और पिता कहानी सुनाकर कहते हैं तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए, सभी बच्चे आंसू रोके हुए हैं और बाबा ने ये शब्द कह दिया कि यज्ञ यज्ञ पिता का, यज्ञ सेठ का रचा हुआ है, यज्ञ के मध्य से यज्ञ माँ नहीं जा सकती है, हो सकता है आप बच्चों का टेस्ट हो, इसलिए बच्चे इस टेस्ट से पूर्ण पास होकर दिखाना। अब सभी बच्चे और तुम बच्चे खूब योग लगाना। मुझे याद आता है उस समय का दृश्य कि बाबा पीछे बैठे हैं और गुलजार दादी बैठे हैं, उनको खास कहते हैं बच्चे तुम जाओ और जाकर देखो कि मम्मा इस समय बाबा के पास किस कंडीशन में है। और बाबा ने बच्चों को कह दिया था कि आप सभी एप्लीकेशन डालो कि बाबा हमारी मामा को वापस भेजो, हमारी मामा को वापस भेजो,
इतने प्यार से बाबा को कहना कि बाबा मामा को वापस भेज देगा। अब बाबा कह रहा है, सभी बच्चे इस विश्वास में, इस प्यार में, उस प्यारे बाबा की याद में ऐसे बैठे हैं जैसे माँ को खींच रहे हैं। तब बाबा ने संदेशी को कहा, जाओ संदेशी बच्ची, जाकर देखो बाबा ने क्या कहा है और मामा के लिए बाबा ने क्या किया है। तो संदेशी जब गई और कुछ समय के बाद वापस आई तो वो सुना रही है कि बाबा ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मम्मा लेटी हुई हैं, लेकिन छोटी छोटी तारे हैं, धागे हैं, जैसे इतने चारों तरफ धागे धागे हैं और वो सभी धागे जैसे मम्मा को खींच रहे हैं। ऐसा दृश्य बाबा ने दिखाया है। तो बाबा ने कहा, सभी बच्चों को सुनाओ ये दृश्य। तो दादी ने सभी को वो दृश्य सुनाया कि आप सब याद में बैठे थे, उसका ही स्वरूप शायद अलमाइटी बाबा ने मुझे दिखाया है कि कैसे मामा लेटी हैं और सभी बच्चों की याद एक धागे की नुमा, एक ऐसा मजबूत धागा है जो उन्हें खींच रहा है। तो बाबा ने फिर कहा, सुना बच्चे, तुम्हारी याद मम्मा तक पहुंच रही है और तुम्हारी याद के ये धागे, ये प्रेम के धागे हैं, ये प्यार के धागे हैं, ये दृढ़ता के धागे हैं, ये बाबा के एप्लीकेशन के धागे हैं और ये धागे देखो मम्मा को खींच रहे हैं। इसलिए तुम अच्छी तरह योग लगाओगे तो बाबा मम्मा को भेजेगा अवश्य। इसलिए तुम खूब योग लगाओ। आप सोचिए, जब सब योग युक्त होकर बैठेंगे और वातावरण इतना पावरफुल योग युक्त है, उस समय किसी को आंसू आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई नहीं रो रहा है, ऐसा लगता है सबको बाबा, एक बाबा ने सब बच्चों को ऐसा पकड़ कर रखा हुआ है कि सभी मामा को खींचने के चक्कर में प्यारे बाबा को याद कर रहे हैं और एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ये बाबा की युक्ति थी बच्चों को ध्यान में लगाने की। तो मैं इतना सारा नहीं सुनाती हूँ, लेकिन मैं इतने तक ही बताना चाहती हूँ कि बाबा ने सभी बच्चों को संभाला और ऐसा संभाला कि किसी एक भी बच्चों के आंखों से आंसू नहीं आने दिया। और बाबा ने ऐसे ही कह दिया कि बच्चे देखना, अगर तुम बच्चे पावरफुल याद में रहोगे तो बाबा मामा को वापस भेजेगा। और संदेशी ने ये भी बताया कि मामा कुछ क्षण के लिए बाबा ने भेजा, लेकिन मामा का तन इस प्रकार की स्थिति में नहीं था जो आत्मा उसमें निवास कर सकती है। ऐसा ही कहकर उनकी भी आंखें भर आई, लेकिन बाबा परिपक्व स्थिति में बैठे थे और यही कहते थे, तुम्हारी मामा वापस आ जाएगी, देखना बच्चे तुम्हारी मामा वापस आएगी। ऐसा कह कह कर बच्चों को इतना मजबूत कर दिया कि बच्चे इस विश्वास में कि हमारा बाबा हमको कह रहा है मामा वापस आ जाएगी, मामा वापस आएगी। बाबा ने कहा, अगर तुम रोओगे तो बाबा समझ जाएगा ये हार मान चुके हैं। हार मान लेने पर बाबा मामा को वापस नहीं भेजेगा। तुम हारना नहीं, आंसू बहने नहीं देना और एक संकल्प रखना कि हमारी मामा वापस आए। और सचमुच बाबा ने अपने बच्चों को इतना परिपक्व करके रखा। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि बच्चे तुम क्या समझते हो, मामा शमशान से भी वापस आ सकती है, चिता से भी उठ सकती है। तो सारे बच्चे बड़े, बाबा कह रहा है, कोई और थोड़ी कह रहा है। इसलिए बाबा के उस विश्वास में, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बाबा अर्थी की तैयारी करा रहे थे,
मुझे अपना वो याद है समय, मैंने फर्स्ट जबकि मैं ज्ञान में पूर्ण रूपे नहीं थी, केवल मात्र अपनी सखी के साथ कमला नगर सेवा केंद्र, जो सारे विश्व का प्रथम सेवा केंद्र रहा, वहाँ पर मैं गई और मुझे पता चला कि यहाँ मतेश्वरी जी आ रही हैं। मैं नहीं जानती थी कौन मतेश्वरी जी हैं, लेकिन जगदीश भ्राता जी के नेचर थे कि कन्याओं को प्यारे बाबा की सेवा में लगाओ, ताकि इनका मन बुद्धि जब इस सेवा में लगेगा तो दुनिया से हटेगा। तो मैं बिल्कुल नई थी, मुझे जाते ही ये कहा कि आपको डेकोरेशन करनी आती है, कमरे को सजाना आता है। तो मुझे शौक था कमरे को सुंदर बनाने का, तो मैंने कहा जी मुझे आता है। तो कहा हमारी मतेश्वरी जी माउंट आबू से आ रही हैं और मतेश्वरी जी के कमरे को सजाना है, उनकी एक गद्दी बनानी है, उनके पलंग को सजाना है, उनके बैठने की चेयर टेबल को रखना है, जो भी चीज़ें थी मुझे बता दी गई। मुझे याद आता है कि मैंने प्रथम चाहे मम्मा को मिली नहीं, लेकिन मम्मा के आगमन से पूर्व मैंने मम्मा का कमरा सजाया और लास्ट मैंने मामा की अर्थी सजाई। जिस समय मामा की अर्थी को ले जाने के समय से पूर्व बाबा ने ये कहा कि अर्थी को केवल कन्याएं ही हाथ लगाएंगी, पवित्र कन्याओं के द्वारा ही इस अर्थी को सजाया जाएगा। तो फूलों के द्वारा वो जो उसके डंडे थे उस पर कैसे तोलिया लपेटा जाता है जो कंधे पर है, या जो अर्थी को सजा कर लेके गए, तो फूलों से अर्थी को सजाया, तो कुछ कन्याओं की ये सेवा दी गई। तो मुझे कभी ऐसा प्रतीत होता है कि फर्स्ट मैंने मामा के कमरे को सजाया और अंतिम मैंने मामा की अर्थी को सजाया। जब अर्थी को सजाया तब मैं ज्ञान में थी, जब कमरे को सजाया तब मैं ज्ञान में नहीं थी। शायद उस सेवा ने मुझे प्यारे बाबा का बना दिया। एक तरफ बाबा बच्चों को कह रहा है तुम्हारी मामा वापिस आ जाएगी, और दूसरी तरफ अर्थी को सजा रहा है, मामा को ले जाने की सब तैयारी चल रही है। अंत तक भी बच्चों का आंसू ना आए, कहते कोई बात नहीं, अर्थी से भी मामा आ सकती है, शमशान से भी आ सकती है, अगर अग्नि पर चढ़ा देंगे तो वहाँ से भी उठ के निकल सकती है। इतना बच्चों को विश्वास देता जा रहा है, जबकि बाबा सब जानता है, लेकिन बच्चों को इस प्रकार भोलापन उनको दे दिया कि सभी बच्चे मामा की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि हमारी माँ गई नहीं, हमारी माँ वापिस आ जाएगी, हमारा यज्ञ है, जब यज्ञ माता इस यज्ञ को छोड़कर कैसे जा सकती है। बहुत ही प्यार से बाबा ने सभी बच्चों की पालना की, और जब लास्ट में मामा को चिता पर रखी गया और आग लग गई, शरीर खत्म हो गया, आप समझ सकते हैं कि दो दिन हो चुके थे मामा के शरीर को रखे हुए। दो दिन तक वैसे भी मनुष्य के धीरे धीरे आंसू सूख जाते हैं, और जब शमशान से हम वापस आए तो बाबा ने कहा, जो बाबा कहते हैं मामा मरे तो हलवा खाना, बाबा मरे तो हलवा खाना, तो बाबा ने कहा हलवे का भोग तैयार किया जाए और प्यारे बाबा को भोग लगेगा, मामा को भी वतन में खिलाएंगे और सब बच्चे भी खाएंगे। उस समय सभी यज्ञ वत्स ऐसा लगता था कि जैसे किसी के हाथ से पंछी उड़ गया हो और वो देखता ही रह गया कि ये हुआ क्या। बाबा तो कह रहा है मामा आ जाएगी, मामा तो चली गई, गई तो बाबा ने यही लास्ट में कहना शुरू किया, कौन कहता है तुम्हारी माँ गई। बच्चे ब्रह्मा पुरुष तन था, वास्तव में ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया, इसलिए ब्राह्मणों का माँ ब्रह्मा है, पिता शिव बाबा है।
लेकिन ब्रह्मा पुरुष धन होने के कारण उन्हें केवल माँ की उपाधि से सुशोभित किया गया। बाकी तुम्हारी माँ तो जिंदा है, कौन कहता है कि तुम्हारी माँ चली गई। ऐसा कहकर बाबा ने अपने बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाया और अपने प्यारे बाबा की तरफ खिंचवाया, वो है तुम्हारा पिता, ये है तुम्हारी माँ। और सचमुच माँ क्या पालना करती है, बाबा ने पूरी माँ की पालना अपने बच्चों की की। क्योंकि जब हम पहले जाते थे तो मम्मा सौगात देती थी, लेकिन मम्मा के जाने पर बाबा एक एक बच्चे को गले लगा करके और सौगात देता था, अपने हाथों से अपनी टोली बनवाकर बच्चों के मुख में डालता था। क्या चीज़ बच्चे पसंद करेंगे, मैं वही उनको खिलाऊंगा। किचन में कितनी सब्जी बननी है, कितना आटा गूंदना है, कितने चावल बनने हैं। हालांकि भोली दादी हमारी किचन को संभालती थी, लेकिन सदा मम्मा से पहले पूछने जाया करती थी कि आज क्या बनेगा और कितना बनेगा। आज बाबा उस ड्यूटी को संभाल रहे थे और बाबा एक एक चीज़ को देखते थे। किचन में आते थे, चक्कर लगाते थे, क्या बना और कितना बना है। तो माँ रूप बनकर के उन्होंने ये सब चीज़ें संभाली। मैं समझती हूँ कोई 3-4 दिन के लिए एक प्लेट बनी थी, चीनी की प्लेट थी, जिसमें कलर्ड मम्मा का चित्र बनाया गया। हॉल में 3 गद्दियाँ बिछती थी, एक गद्दी पर बाबा बैठते थे, एक गद्दी पर मम्मा बैठती थी और बीच की गद्दी पर बच्चे बैठते थे, कभी कभी अनुभव सुनाने के लिए या कभी कोई पॉइंट सुनाना हो तो बच्चों की गद्दी होती थी। तो बाबा ने मम्मा की गद्दी पर, मम्मा की वो चीनी पर बनी हुई कलर्ड फोटो वो रख दी। और मैं समझती हूँ 3-4 दिन ही फोटो रखी होगी, 3-4 दिन के बाद फोटो उठा दी और यही कहा, तुम्हारी माँ कौन है। हमको याद है जब शमशान से आई तो हमारी एक दादी, उस समय ट्रेन भी चलती थी तो धुएं से कपड़े काले काले हो जाते थे, कोई ऐसी डीजल आदि ट्रेन नहीं थी, आग से ही चलता था, तो बड़े मैले मैले कपड़े पहने हुए बाबा के कमरे में सीधी गई, बाबा मेरी मम्मा चली गई। तो बाबा ने कहा कि आजान करने आई हो, मेरे से आजान करने आई हो मामा का। ऐसे बाबा का धर्मराज का जैसे रूप होता है, कोई अफसोस करने आता है, अफसोस करने आई हो, कहाँ गया ड्रामा, कहाँ गई वो समझ। और सभी को देखा, सभी बच्चे नहा धो कर के, सिर धो कर के, हलवा भूखा खा चुके थे, सभी का चेहरा ठीक था, कोई रोया हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। स्वाभाविक है जब बाबा का ऐसा रूप था तो बहन भी चुप हो गई और सभी को देखकर लगा कि यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि फर्क बहुत पड़ सकता था, लेकिन कैसे बाबा ने सब बच्चों को ऐसा कह कहकर इस कदर संभाल लिया कि आज भी हमारी माँ हमारे बीच है। चाहे हमारे साकार में बाबा व्यक्त हुए, लेकिन अव्यक्त होकर भी बच्चों की पालना करते रहे। और आज चाहे अव्यक्त रूप से नहीं, लेकिन आज भी बाबा के वो महावाक्य जो अव्यक्त महावाक्य हैं, हम सबको ऐसे मिलते हैं जैसे प्यारे बाबा आज भी हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ से यज्ञ माता यज्ञ पिता स्वयं सर्वशक्तिवान गए नहीं, थे, हैं और रहेंगे। ओम शांति।